खबर आ रही है कि सलमान खान ने अपनी फिल्म पवन पुत्र में से किसी का भाई किसी की जान की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को ले लिया है और करीना कपूर को साइड कर दिया है। जहां पहले पार्ट में करीना कपूर सलमान खान के अपोजिट नजर आई थी, वहीं अब इसके सीक्वल में पूजा हेगड़े नजर आएंगी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि पूजा हेगड़े पवन पुत्र में वही किरदार निभाएंगी जो करीना कपूर ने निभाया था या कोई और। इस बारे में अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आ पाई है। बता दें कि सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी जल्द ही अप्रैल में रिलीज होने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखने को मिलने वाली है। यूं तो सलमान खान ने कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन साल 2015 में आई बजरंगी भाईजान एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसे हर जगह प्यार मिला। नतीजतन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सलमान खान, करीना कपूर खान, हर्षिला मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर बजरंगी भाईजान की कहानी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई, दिलों को इतना ज्यादा छू लिया कि लोग इसके सीक्वल की डिमांड करने लगे। नतीजतन सलमान खान ने बीते साल बजरंगी भाईजान के सीक्वल पवन पुत्र का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और अब खबर आई कि सलमान खान करीना कपूर की जगह पूजा हेगड़े को उस फिल्म में लेने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।